मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जब कुछ असामाजिक उत्पाद सार्वजनिक स्थानों पर बिकना शुरू हो जाते हैं तो बरबस ही समाज के लोगों को इन उत्पादों की दुकानों को हटवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाना पड़ती है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक शराब की कलारी की, जो सार्वजनिक स्थान पर खुल जाने के कारण वहाँ आए दिन माहौल को दूषित करने का काम कर रही है, जिससे वहाँ निवास करने वाले सभी लोग बहुत त्रस्त हैं और उन्होंने इस शराब की कलारी को कहीं और स्थानांतरित कराने के लिए जिला अधिकारी ललितपुर से मांग की है। आपको बताते चले कि आज ललितपुर जिला अधिकारी कार्यालय में ललितपुर के ग्राम खिरकापुरा के लोगों ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जिला अधिकारी ललितपुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन दाताओं में कंचन व्यायामशाला खिरकापुरा और कंचन सेवा मंडल खिरकापुरा के लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि शराब की कलारी खिरकापुरा में सार्वजनिक स्थान पर मौजूद होने के कारण यहाँ का माहौल दूषित कर रही है, क्योंकि जिस स्थान पर कलारी खोली गई है वहीं व्यायामशाला भी है, स्कूल है और मंदिर भी है, तथा पास ही काशीराम कॉलोनी भी स्थित है। कलारी पर शराबियों के जमावड़े से महिलाओं, बच्चियों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही इन पर इस कलारी का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र कलारी को यहाँ से हटाकर कहीं और स्थानांतरित किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। आप लोग कहाँ के, किस चीज़ का आप लोग ज्ञापन देने आए हैं? हम लोग कंचन व्यायामशाला से हैं, जो खिरकापुरा में, और ये कलारी का ज्ञापन देने आए हैं कि ये यहाँ से उठाई हटा के दूसरी जगह शिफ्ट की जाए। यहाँ बीच बस्ती में है, यहाँ पर स्कूल भी है और व्यायामशाला भी है, हनुमान जी बाबा का मंदिर भी है, ये सार्वजनिक स्थल है और यहाँ जो मोहल्ले का जो पहले वातावरण अच्छा था, इसकी वजह से वातावरण पूरी तरह से ख़राब हो रहा है। इसलिए जल्द से जल्द इसको हटाई जाए, जिससे वातावरण सही हो और बच्चों को सही दिशा में वो जा सकें और पढ़ाई, और उसमें व्यायामशाला से जो जुड़े लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सारे लोग इससे परेशान हैं और महिलाएं भी कुछ परेशान हैं, जो वहाँ पर जो दारू पीने वाले आते हैं उससे अभद्रता फैलती है, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। किस चीज़ का ज्ञापन देने आए, क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोग कंचन सेवा मंडल से, खिरकापुरा से, हम लोग कलारी वहाँ से दूसरे स्थान पर भगाने के लिए ज्ञापन देने आए DM साहब को, और 2017 से कोशिश भी कर रहे हैं। कई ज्ञापन यदि हम लखनऊ भी गए थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लेटर भी ले आए थे, उन्होंने कह दिया था मतलब यहाँ से हटवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जिलाधिकारी को हमने सूचित करवाया, SP साहब को भी गए और अपराधकारी को भी दिया, जिसमें कलारी के वो लोग आए भी थे जिनकी ठेका है। तो हमारी जो समस्या है, मंदिर, स्कूल, व्यायामशाला, आने जाने में प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है। काशीराम कॉलोनी जो कि कंचन घाट के वहाँ पर है, रात को आते जाते हैं तो कई पी के लोग मारपीट कर रहे, झगड़ा कर रहे, किसके नाम रिपोर्ट दर्ज करें, और बहुत अति हो गई है उस माहौल में। पूरे मोहल्ले की स्थिति गड़बड़ है, बच्चों पर बुरा असर जा रहा है और लड़ाई झगड़े कई पूरे ललितपुर ज़िले की जो भी वहाँ से मिट्टी जाती है कंचन घाट के लिए, शमशान को जलने के लिए, वहाँ पे जाम लगता है बहुत, तो किसान लोग आ रहे, लोग पी के नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में है तो तमाचा मार रहे, बहुत अति खराब है। इसलिए हम सोच रहे वहाँ से अलग होके कहीं और शिफ्ट हो जाए। लखनऊ गए थे आपने, वहाँ भी शिकायत की थी, क्या रिस्पॉन्स मिला क्या? वहाँ से उनने लिख के दे दिया था कि हट जाएगी, और दोबारा भी बुलाया है कि अगर नहीं कोई सुनवाई होती है तो उनसे बात भी हुई है, वो उन्होंने बोला आप दोबारा आइए, और जैसे कुछ डिस्पोजन नहीं मिलता है तो उन्होंने बोला विधायक जी के पास, विधायक जी के भी पास गए और मंत्री जी के भी पास गए अपन, और जिलाधिकारी महोदय जी के पास भी गए, और फिर अपन लेटर लेके एक कंचन व्यायामशाला का लेके आए हैं जो कि नज़दीक है और स्कूल भी है। कब से नहीं हो रही है आप लोगों की सुनवाई? 2017 से कोशिश कर रही है हम लोगों ने, तो एक बार चली भी गई थी चुनाव पीरियड पर, फिर वापसी आ गई है, तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हुई सुनवाई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।